नमस्कार, आइए आज देखते हैं आखिर इस बैटरी के अंदर होता क्या है, ये अंदर से कैसे, क्या इसकी व्यवस्था संरचना होती है, कैसा मटेरियल इसका होता है। और आइए इसका आज हम ओपनिंग कर रहे हैं, और ओपन करने के बाद जो सामने आएगा वो हम लोग मिलके देखेंगे। तो आइए हम इसको खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको दिखा दें ये बैटरी कितना चार्ज है कि नहीं चार्ज है, आप देख लीजिए। ये बैटरी आप देख सकते हैं कि 1.69 वोल्ट चार्ज बता रहा है। अब इसको तोड़ के देखा जाएगा तो आप देख सकते हैं, हमने इसको इसका कवर हटाया ऊपर वाला। अब इसके अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था दिख रही है, एक प्लास्टिक की थैली में यह रखा हुआ है। ये आपके ये बैक प्लेट लगा हुआ था नीचे, आप तो इसको देखते होंगे अच्छी तरह से। और ये क्या है इसको समझने की कोशिश किया जाए तो जिस तरह आप सेल देखे हैं तो सेल में एनोड और कैथोड होता है, तो ये आपका एक सिरा एनोड है, एक सिरा कैथोड है। तो आपका ये सिरा जो है ये जो है कैथोड वाला है, ये आपका एनोड वाला सिरा है। और इसमें आप एक चीज़ और ध्यान देंगे, चूंकि ये 9 वोल्ट की बैटरी है तो अभी तो हमको ये नहीं लगता है कि ये पूरी एक बैटरी है, क्योंकि कई सेल मिलके ही तो बैटरी बनते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं, अब इसको और खोला जाएगा, इसका एक टुकड़ा और निकला, और इसको और खोला जाएगा तो पता चलेगा अंदर क्या है, किस तरह की व्यवस्था है। देखते हैं इसको, इसके ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ी हुई थी इसको मैंने उतार दिया हूँ। अब इसके अंदर एक और प्लास्टिक वो दिख रही है, इसको भी उतार के हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये हमने प्लास्टिक हटाने की कोशिश की लेकिन ये कवर निकल गया, और ये सेल की तरह है, इसमें कुछ मटेरियल दिख रहा है जिस तरह सेल में होता है। और अंदर देखते हैं क्या और मिलता है। अब इसको ज़रा हटा के देखा जाए, देखिए ये भी निकल गया, ये भी आपका निकल गया, और इसके अंदर कौन सी मटेरियल है वो देखने की कोशिश किया जा रहा है। इसमें एक नोटिस करने वाली बात आपको देखने को मिलेगा, इसमें मोम भरा हुआ है, अब देखिए यहाँ निकल रहा है, इसमें मोम भरा हुआ है, इसके नीचे देख रहे हैं आप, देख सकते हैं मेरा सब पूरी तरह से सही था। ये अलग अलग ब्रिकों में बटा हुआ, मतलब ये एक सेल है और ये देखिए ये दूसरा सेल है, और ये देखिए ये तीसरा सेल है, और ये देखिए ये चौथा है, ये पांचवा और एक छठा। तो इससे एक चीज़ और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत आसानी से कि प्रत्येक सेल जो है 1.5 1.5 वोल्ट का है। तो 1 2 3 4 5 6 और 6, 6 को 1.5 वोल्ट का है तो 9 वोल्ट हमारा पूरा हो गया। और नोटिस पॉइंट है, इस प्रत्येक सेल में एनोड और कैथोड है, इस प्रत्येक सेल में एनोड और कैथोड है प्रत्येक सेल में। तो चलिए हम इसको जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। चलिए आपके सामने हम प्रत्येक सेल को मेजर करके दिखा रहे हैं कौन कितना वोल्टेज शो कर रहा है। देखिए बहुत मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टेड है, बने रहिए लास्ट तक वीडियो देखिए। और ये देखिए 1.25 वोल्ट ये शो कर रहा है, मतलब ये वाला इसका जो है एनोड है और ये वाला आपका कैथोड है भाग, ये ऐसे पता चल जा रहा है। इसको किनारे करते हैं, दूसरे टुकड़े को ले रहे हैं, देखिए इसमें कोई चार्ज नहीं बता रहा, मतलब बहुत कम पॉइंट में। देखिए ख़राब भी बैटरी इसी तरह से होता है धीरे धीरे करके, बहुत कम। और तीसरे को ले रहे हैं तो
ये देखिए इसमें भी 0.32 करके है, और देखिए इसमें भी पॉइंट में आ रहे हैं जो भी वैल्यू मिल रहे हैं। इसमें भी देखिए मिल रहे हैं जो भी है, और आपके नोटिस के लिए ये बता रहे हैं ये सब प्राइमरी सेल में आते हैं जो कि चार्ज नहीं किए जाते हैं। आपको पता है कि जितने द्वितीयक सेल हैं सब चार्ज होते हैं, लेकिन प्राइमरी सेल कोई चार्ज नहीं होता है। जब सेल को आईटीआई में पढ़ेंगे या किसी भी तरह से सेल के बारे में जानकारी आप इकट्ठा करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि सेल जो है प्राइमरी सेल चार्ज नहीं होते हैं और सेकेंडरी सेल चार्ज होते हैं, जो कि आपके सामने है। तो हमारा यह सेल का बैटरी का ऑपरेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करें, शेयर करें और हमको आगे बढ़ने में सहयोग करें। धन्यवाद।